हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आ गया है एक BLDC गियर मोटर। ठीक है, तो ये एक गियर मोटर है जो कि इससे आप 30 RPM तक भी आपका इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और ये कौन कौन सा प्रोजेक्ट में लग सकता है वो भी आपके धीरे धीरे वीडियो आएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसा क्या है, मोटर कैसे रन करके देखेंगे, इसकी RPM देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कि 30 RPM है जो कि एक मिनट में 30 बार घूमेगा। ठीक है, तो खोल लेते हैं पैकेट को। और पैकेट के अंदर में कुछ नहीं है, सिंपल पैकेट ही है और कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकेजिंग के साथ ये आया है। ये अमेजोन के साइड से ये बिल है इसकी, रखते हैं साइड में। और ये कुछ इसकी बॉक्स पैकिंग है प्लास्टिक की बॉक्स के साथ। और इसे खोलते ही आपको यहाँ पर दो सेट मिलेंगे, एक थैंक यू का उनका विजिटिंग कार्ड है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों भीगा रोबो किट के तरफ से गियर मोटर न्यू इम्प्रूवमेंट पर है। हेलिकल गियर है इसमें अंदर में और इसमें RPM लिखा हुआ है, बहुत सारा RPM आप देख पा रहे हैं, 3.5 से लेकर 1000 RPM तक। तो ये 30 RPM का मोटर है, 12 वोल्ट DC 6 mm शाफ्ट में ये आता है, गियर मोटर है और MRP 200 ऊपर में है, लेकिन आप यहाँ पर साइड में आके देख सकते हैं। फिर भी चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वार्निंग किट कंटेंट स्मॉल पार्ट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 3 साल के बच्चों के नीचे ये प्रोडक्ट नहीं है। फटाफट से इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 30 RPM में और ये इसकी नट है टाइट करने के लिए। ठीक है, और चलिए इसको हम चालू करके देखेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इसके साथ केबल ऑलरेडी आते हैं, सोल्डिंग करने का वायर आपको एक्स्ट्रा लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ये सेट है सेम टू सेट, ये भी एक सेट है और इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं 30 RPM में। तो चलिए मेरे पास एक 12 वोल्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर है। तो इसमें हम पावर देते हैं और मोटर की स्पीड चेक करेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट काम आएगा ये जो मोटर है। इसके साथ मैं क्या करूँगा कि मार्किंग टेप थोड़ी सी ले रहा हूँ, इसकी जो RPM है वो आपको पता चलता रहे। छोटी सी ले रहा हूँ पेपर, मोटर में शाफ्ट में लगा देता हूँ। ठीक है, और देखेंगे इसको चालू करके ये जो अडेप्टर होती हैं इसकी बीच वाली पॉजिटिव रहती है और साइड वाली नेगेटिव रहती है। तो नेगेटिव से कनेक्ट करने से पहले मैं हाथ मोटर का हाथ में रख ले रहा हूँ, इसको चला के देखेंगे। तो इतना स्पीड ही घूमेगा ये 12 वोल्ट के। और देखिए पूरा इसकी जो टॉर्क है बहुत हाई टॉर्क है, मेरे हाथ को भी घुमा दे रहा है। सेम टू सेम इस वाले मोटर को भी चेक कर लेते हैं, दोनों मोटर को चेक कर लेंगे काम कर रहा है क्या नहीं। चलिए पॉजिटिव को दे देता हूँ हाथ में पकड़ के, इसको भी चेक कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये भी वर्किंग कंडीशन में है और ये चालू होते टाइम आपको राइट से लेफ्ट राइट से लेफ्ट चलेगा और इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो इसके प्लस माइनस को भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ये लेफ्ट राइट चल रहा है। और इसकी जो टॉर्क की बात करूँ, मतलब जो जितना कितना हैवी तक जितना कम RPM में लेंगे उतना हैवी आपका ये टॉर्क बनेगा और प्रेशर भी दबाव बनेगा। ठीक है, इसलिए ये चल रहा है, मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको हाथ से ही रोक नहीं पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैं हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये साफ घूम रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है, इतना इतना प्रेशर इतना जोर से लगा रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ खाली हाथ से, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, ये घूमता ही जा रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है, मेरा हाथ पूरा ये हो जा रहा है, मतलब जितना कम RPM लेंगे उतना हाई टॉर्क मिलेगा, जितना कम RPM ज़्यादा RPM कर लेंगे उसमें टॉर्क आपको ना के बराबर मिलेगा। तो ये मोटर बहुत ज़्यादा छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम आ सकता है, जैसे कि कहीं पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम हुआ, कहीं पे इसको झूला झुलाना हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटर
आप ख़रीद सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। और जो ये वायर टूटने का जो झंझट है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों ये मोटर की अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे दो कम्बो सेट का मिलता है ये, और ये बॉक्स पैकिंग के साथ आता है। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजन की है, जाके इसको ले सकते हैं। और जितना सस्ता लेंगे उतना आपको शायद कोई चीज़ अच्छी मिले ना मिले, क्योंकि इसके अंदर में जो गियर लगी हुई है वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की लगी हुई है, और बाकी सब में आपको प्लास्टिक के मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी जाकर डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक में जाके बाय कीजिए और अपने प्रोजेक्ट लाइए। इसके ऊपर में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो मेन प्रोजेक्ट होते हैं जो मैंने मंगाया हूँ जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसका वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। तो वेट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में।